नमस्कार, मैं आभा श्री डीएलएड कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के चर्चा का विषय संसाधन केंद्र के रूप में विद्यालय है। इस विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि जो संसाधन हम विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोग में लाते हैं अथवा जिनका हम विकास करते हैं, सिर्फ वही अधिगम संसाधन नहीं है, अपितु यहाँ पर हमें अपनी सोच की परास को विस्तार देने की आवश्यकता है। क्योंकि पर्यावरण को अगर हम संज्ञा की दृष्टि से देखें तो इसमें जैविक एवं अजैविक सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु के साथ साथ हवा, पानी, भूमि, नदियाँ, सागर इत्यादि शामिल होते हैं। वहीं जब हम इसे प्रक्रिया की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाएँ अनायास ही सम्मिलित हो जाती हैं। हर विद्यालय अपने आप में एक संसाधन केंद्र होता है। हर विद्यालय के परिवेश में अनेक रोचक जानकारियाँ, सूचनाएँ और उदाहरण मौजूद होते हैं। वहाँ आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका विद्यार्थी खुलकर उपयोग कर सकते हैं। दरअसल विद्यालय का पर्यावरण विद्यार्थियों के अपने अनुभवों और उनकी अपनी दुनिया के बहुत समीप होता है। प्रत्येक विद्यालय के वातावरण में विद्यार्थी के अवलोकन करने हेतु वस्तुएं, घटनाएं और उनके बीच संबंध उपलब्ध होते हैं। यदि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षण के लिए साधनों की कमी भी हो तो भी उसका परिवेश समृद्ध होता है। कक्षा के बाहर उपलब्ध ज़्यादातर संसाधन न केवल निःशुल्क होते हैं बल्कि उनकी एक अलग वास्तविकता भी होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि विद्यालय संसाधनों को मुख्यतः दो प्रमुख संसाधनों में विभक्त किया गया है, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षणेतर कर्मचारी इत्यादि आते हैं। उसी प्रकार से भौतिक संसाधन के अंतर्गत लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, कंप्यूटर और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। भारत की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात NCF 2005 में कहा गया है कि बच्चा कुदरती रूप से सीखता है तथा ज्ञान और समझ उसके क्रियाकलापों के परिणाम होते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे लगातार प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को अपने इर्द गिर्द के संसार को समझने के लिए एक तरीके के रूप में पर्यावरण या परिवेश की छानबीन करना अच्छा लगता है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही विद्यार्थी प्रत्येक वस्तु, घटना एवं स्थिति का अवलोकन करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 2400 घंटे वे अपना समय अवलोकन में बिताते हैं। विद्यार्थियों की इसी प्रवृत्ति को शिक्षक अधिगम संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है, जिससे कि वह विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकें। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका अनुत्पादक अवलोकन को संरचनात्मक व उत्पादक अवलोकन में परिवर्तित करना होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर सकें। विद्यालय को संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों की मदद से विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्राकृतिक व मानव निर्मित सामग्रियों का संग्रह कर सकता है। इसी क्रम में शिक्षक कक्षा के कोनों का उपयोग अलग अलग विषय के अनुसार करता है। दरअसल कोना अधिगम हेतु शैक्षिक संसाधनों का संक्षिप्त प्रदर्शन होता है। समय समय पर इन संसाधनों को बदलते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में कौतूहल बना रहे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षक की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, किस प्रकार से वह कोनों का प्रयोग कक्षा में करता है, जिससे कि विद्यालय को संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। हम विद्यार्थियों की सहायता में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं, जैसे बीज और पत्ते, चित्र, धातु के टुकड़े, सिक्के, टिकट, समाचार पत्र की कतरने, पत्रिकाएं, पत्रिकाओं की कतरने इत्यादि। उसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या संसाधनों के रखरखाव के लिए अलग अलग कोने बना सकते हैं।
इनमें मुख्यतः कहानियों की पुस्तकों का कोना, या आप कह सकते हैं पुस्तकों का कोना, फाइलों का कोना, परियोजनाओं का कोना, विज्ञान का कोना, चित्रकारी कोना, रद्दी सामग्री कोना, कला कोना, प्रयोग कोना, मानचित्र कोना इत्यादि। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों की मदद से विद्यार्थियों को कुछ फाइलें बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। विद्यार्थी प्रोफाइल, विद्यालय की प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। मानव जानवर संबंधी प्रोफाइल बना सकते हैं, घटनाओं से संबंधित प्रोफाइल बना सकते हैं इत्यादि। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्कों का संग्रह है। सिक्कों के संग्रह में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने सिक्के यहाँ पर एकत्रित हैं। अर्थात सिक्कों के संग्रह से विद्यार्थी सिक्कों के क्रमिक विकास को समझने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। विभिन्न प्रकार की धातुओं की पहचान व उसके गुणधर्म को समझने में भी सिक्कों का संग्रह सहायक है। मुद्रा का अर्थव्यवस्था में महत्व भी इन सिक्कों के संग्रह से शिक्षक विद्यार्थियों को समझा सकता है। और जैसा कि जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, विज्ञान इसमें अछूता नहीं होता है, और विज्ञान का कोना शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए विज्ञान कोने को विद्यार्थियों की रुचियों को प्रतिबिंबित करता हुआ होना चाहिए, और यदि संभव हो तो उनके द्वारा ही स्थापित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को नई वस्तुएं और सवालों के साथ प्रेरित करने के लिए इसकी विषय वस्तु को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, जिससे वे अधिक से अधिक चिंतन मनन कर सकें। जैसा कि आप चित्र में विज्ञान कोने का एक नमूना देख सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के शंख, शीप, छोटे मोटे पौधे, मिट्टियों का नमूना इत्यादि सम्मिलित है। विज्ञान कोने में मंद दृष्टि वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सभी संकेतक और कार्ड्स को मोटे व बड़े अक्षरों में छपा होना चाहिए। इसी प्रकार संकेतकों को बहुत ऊंचा या बहुत नीचे नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। विज्ञान कोने में वस्तुओं के विभिन्न गुणों को मापने के लिए सक्षम उपकरण सम्मिलित होने चाहिए, यथा बैलेंस स्केल, दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर की छड़ें, और तरल मात्रा को मापने के लिए क्रमिक सिलेंडर इत्यादि होना चाहिए। विज्ञान कक्ष में अन्य वैज्ञानिक यंत्र भी शामिल हो सकते हैं, जैसे लेंस, प्रिज्म, चुंबक, दर्पण इत्यादि। विज्ञान कोने को बनाते वक्त शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि खतरा पैदा करने वाली कोई भी वस्तु विज्ञान कक्ष के कोने में नहीं रखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए तेज किनारों वाली वस्तुएं अथवा किसी तापक यंत्र को विज्ञान कोने में स्थान नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में पुस्तकों की सूची देखकर उसकी विविधता का आकलन कर सकते हैं। इसमें चिड़िया का गीत, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, सावन का मेला, रुई से नायलान तक, समझ की तैयारी, हाथ के साथ, सौर ऊर्जा की कहानी, गोबर टाइम्स, विविध प्रकार की पुस्तकें इसमें सम्मिलित हैं, जिससे कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार हमें अपने पुस्तकी कोने का संग्रह करना चाहिए। गणित का कोना। गणितीय खेल खेल से चिंतन कौशल का विकास होता है। ज्यामिति आकृतियों व संरचनाओं की पहचान एवं उनकी तुलना पर्यावरण में विद्यमान वस्तुओं से करना विद्यार्थी सीख जाते हैं। हम चित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृतियाँ मौजूद हैं, वो उसका क्रियात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं। पत्तियों का चिड़ियाघर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चिड़ियाघर, मगर पत्तियों का। चिड़ियाघर में जानवर, पक्षी, तितलियां इत्यादि पाए जाते हैं, और अगर हम इन सभी जीव जंतुओं को पत्तियों की मदद से इसका निर्माण करते हैं, विद्यार्थियों से कराते हैं, तो उनमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक क्षमता के साथ साथ वह क्रियात्मक व भावात्मक लगाव उत्पन्न कर सकते हैं, और यह लगाव चिरस्थायी होता है।
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अंगूठे के ठप्पे से बने चित्र, इसमें विभिन्न प्रकार के सामग्री, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, मानव निर्मित हो या फिर बच्चों के बहुत करीब हो, यह सभी चीजें हैं। यह सभी चीजें या तो अंगूठे के ठप्पे से बने हैं या तो उंगलियों के ठप्पे से बने हैं। पर्यावरण में उपस्थित सजीव निर्जीव विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करके विद्यार्थी अपने अंदर और शिक्षक की मदद से सृजनात्मक कौशल के विकास के लिए प्रेरित रहता है। कला कोना, पर्यावरण में उपस्थित विविध प्रकार के अनुपयोगी व कम खर्चीली वस्तुओं के उपयोग से कलाकृतियों का निर्माण करके अलग अलग धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस कोने के माध्यम से बच्चा, विद्यार्थी हर प्रकार की फ्रीडम का अनुभव करते हैं। मॉडल, यह भी एक कोना होता है जो प्रदर्शनी के लिए प्रयोग में आता है तथा इससे विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। जब शिक्षक प्रत्यक्ष तौर पर द्विविमीय यथार्थ 2D सामग्री के साथ कार्य नहीं कर पाता है, तब वह विषय वस्तु की संरचना एवं प्रकार को अच्छी तरह से समझने के प्रयास में उसके मॉडल को निर्मित करता है। एक मॉडल किसी प्रणाली अथवा वस्तु को लघुत्तर या बृहत्तर भौतिक रूप को प्रदर्शित करता है। मॉडल्स कोई संगणक कार्यक्रम, संगणक जनित प्रतिच्छाया अथवा बृहद स्तरीय आभासी रचना हो सकती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में किसी भी स्तर पर मॉडल्स का निर्माण व प्रयोग किया जा सकता है। अमूर्त संपत्तियों की समझ को सुगम बनाने के अलावा मॉडल्स विद्यार्थियों को भविष्योन्मुखी समाज में पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों को समझने में सहायता प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संसाधन की बात न करें, उसका उपयोग न करें, तो हमारा शिक्षण अधिगम अधूरा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन शिक्षकों को विद्यार्थियों के समक्ष अमूर्त संपत्तियों को प्रस्तुत करने में तथा सुदूरवर्ती चीज़ों को कक्षा में उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उदाहरण के लिए वीडियो टेप, कंप्यूटर सिमुलेशन तथा वीडियो डिस्क सभी माध्यम के द्वारा बाहरी दुनिया को कक्षा में उपलब्ध कराने के सुगम तरीके हैं। वास्तविक शिक्षण सहायक सामग्री की अनुपलब्धता की दशा में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सहायता से संपत्तियों तथा सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी संदर्भ में एक शिक्षक को हर संभव व अर्थपूर्ण तरीके से अपने शिक्षण के प्रस्तुतीकरण का प्रयास करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि शिक्षक को अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अधिकाधिक प्रासंगिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराना चाहिए और ऐसा करने से ये इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रभावी सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण नाटक की। कैसे पर्यावरण नाटक विद्यालयी संसाधन को मजबूती प्रदान करता है। पर्यावरण नाटक के माध्यम से विद्यार्थी बृहद रूप से अपनी बातों को रख सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है तथा अपने पर्यावरण संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन कर सकता है। पर्यावरण नाटक सशक्त वैज्ञानिक विचारों की पृष्ठभूमि पर ही किए जाने चाहिए। साथ ही इसमें पर्यावरणीय शब्दावली तथा हमारे परिवेश के किरदारों का भी समावेश होना चाहिए। संप्रत्यय कार्टून, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कार्टून, इसका तात्पर्य है कि हमें कार्टून के माध्यम से बच्चों में रोचकता उत्पन्न करनी चाहिए। संप्रत्यय कार्टून शिक्षण का नवीन संसाधन है। शिक्षण में हम इस प्रकार की नवीनतम साधन का उपयोग कर सकते हैं। संप्रत्यय कार्टून विद्यार्थियों में कौतूहल उत्पन्न करने, चर्चा के लिए उत्प्रेरित करने व वैज्ञानिक चिंतन उद्दीप्त करने में सहायक होता है। इस तकनीकी में पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के चरित्रों को आपस में अंतःक्रिया करते हुए दिखाया जाता है।
संप्रत्यय कार्टून के अंतर्गत विद्यार्थी जैसे ही कार्टून का अवलोकन करता है वह इस प्रश्न का सामना करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यद्यपि कार्टून कोई एक नियत जवाब नहीं होता है, फिर भी वे दृश्य माध्यम से युक्त संवाद रूप में विचारों को प्रदर्शित करते हैं। संप्रत्यय कार्टून पर आधारित बहुत सी ज्ञानवर्धक और वैज्ञानिक रहस्यों से संबंधित पुस्तकों को शिक्षक अधिगम संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है। जैसा कि चित्र में मधुमक्खियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, क्या पराग कोशिकाएं पंखुड़ी कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। यह एक नमूना है संप्रत्यय कार्टून का, जिसे आप देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार के संप्रत्यय कार्टून का उपयोग शिक्षक अपने कक्षा में कर सकता है। पर्यावरण अध्ययन भ्रमण। जैसा कि अध्ययन भ्रमण अपने आप में ही एक ऐसी तकनीकी है जिससे हम अपने आप को, विद्यार्थी को, समाज को प्रकृति से जोड़ सकें। पर्यावरण अध्ययन को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को कक्षागत वातावरण से बाहर निकालकर संक्षिप्त रूप से विद्यालय परिसर के आसपास तथा विस्तृत तौर पर सुदूर अध्ययन भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन भ्रमण और भी अर्थपूर्ण बन सकता है यदि शिक्षक कक्षा में पढ़ाई जा रही पाठ वस्तु या इकाई को प्रत्यक्ष रूप से उसे संबंधित कर दे। अध्ययन भ्रमण को कक्षा अध्ययन से जोड़कर विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को पुनर्बलित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रासंगिक विषय वस्तु के माध्यम से अध्ययन भ्रमण विद्यार्थियों को अपने पर्यावरणीय प्रक्रिया कौशलों का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है। पर्यावरण मेला विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। मेले के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का मंच मिल जाता है। विद्यार्थी इस तरह के आयोजनों में चार्ट, मॉडल, वास्तविक वस्तुओं का निर्माण एवं प्रदर्शन करते हैं। पर्यावरण मेले की सहायता से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, वैज्ञानिक कौशल, वैज्ञानिक अभिरुचि, विवेचनात्मक चिंतन व समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। संसाधन केंद्र का उपयोग शिक्षण के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। विद्यालयों का आपसी सहयोग पर्यावरण के शिक्षण अधिगम को अधिक रोचक व अंतर्क्रियात्मक बनाने में प्रभावी हो सकता है। प्रत्येक विद्यालय अपने आप एक संसाधन केंद्र बन सकता है तथा पड़ोस के विद्यालयों को भी अपने संसाधन केंद्र में आने के लिए तथा प्रयोग करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। सहयोगी विद्यालय वर्ष में एक बार इकट्ठे मिलकर पर्यावरण मेला, प्रदर्शनी, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भागीदारी कर रहे विद्यालयों के बच्चों को भाग लेने तथा आनंद के साथ सीखने का अवसर मिलता है। ऐसे अवसर ज्ञान सामग्री तथा संसाधन बांटने के लिए सर्वथा ही उचित मंच हो सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी उपायों के द्वारा हम विद्यालय को एक समृद्ध संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज की चर्चा में हमने विद्यालय को एक संसाधन केंद्र के रूप में समझने का तथा किन किन माध्यमों से विद्यालय को एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है इसे समझने का प्रयास किया है। साथ ही संसाधन केंद्र का उपयोग विद्यार्थियों एवं समुदाय के लिए किस किस प्रकार से किया जा सकता है इसे भी जाना। आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।